कम बैक और आपका स्वागत हो। अस्सलाम क्या है पर फर्स्ट टाइम मैं आया साहिद भाई के साथ। हरी पैलेस से। हरी पैलेस ने थोड़ा इंट्रोडक्शन दी मुझे, बताया आपने इंट्रोडक्शन भी दी। फर्स्ट टाइम मुझे मिले तो बड़े जानून आदमी है। तो अब टाइम यहाँ पे हो गया है तो वेलकम बैक और उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आए थे इधर हरी पैलेस जम्मू पर, वो अभी थोड़ा टाइम हो गया ना तो 6 बजे बंद हुए थे। जैसे हमें अंदर बोल रहे थे आप आ जाओ आपके लिए खोल देंगे, साजिद भाई को देख के फिर आपको पता, तो पर हम गए नहीं, हमसे क्या परेशान कर। बिल्कुल चुप। अब साइड पर थोड़ी सी जगह मिली है इधर, ये बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत जगह। मुझे जम्मू के बारे में इतनी नॉलेज तो है नहीं पर उसके अलावा बड़ी खूबसूरत जगह। ये देख लो ये गुज्जर फैमिली से माशाल्लाह लाल टी शर्ट वाले। तो आप रुसवा हो गए ऑलमोस्ट, तो आप जा रहे हैं घर वापस। साहिद भाई जो आपकी इतनी इज्जत के बावजूद आपको अंदर नहीं जाने दे, आप क्या आप क्या? देखो हम लगभग आधा घंटा अंदर हैं, ये भाई साहब मजाक कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब उनको भी देखना चाहिए, टाइम हो गया 6:40 हो गए। अब इज्जत से हमें उन्होंने बोला कि आप बाहर निकलो और हम आराम से आ गए वहाँ से बाहर। और ये भाई साहब हमारे किस फैमिली से वो भी बता दें। बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी कीमती बातें की उन्होंने। ये सुनने का मौका किसी किस्मत वाले को मिलता है। तो पहले हम गए थे जू में तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी बड़े रुसवा हैं और सॉरी मतलब बड़ी इज्जत मिली वहाँ पे भी। तो वहाँ पे भी बंद हो गया था क्योंकि 6 बजे ऑलमोस्ट हर जगह बंद हो जाती है। और मैं आपसे शहनवाज भाई से आपको मिलवा, तो बहुत ही जेन्युइन आदमी शहनवाज भाई। आपकी आपने क्या फील किया? कॉन्स्टिट्यूएंसी गाली ना करनी था। आपको कैसा फील हुआ यहाँ पे आके? फर्स्ट टाइम विजिट किया आपने, कैसा फील किया यार? ये देख लो पीछे, ये आपको दिख रही होगी बिल्डिंग बड़ी प्यारी है। शहनवाज जी कैसा लगा आपको? छोड़ ही नहीं रहे थे, ये बोल रहे थे रात को रुक जाओ, लेकिन मैंने बोला नहीं हमें लेट हो गए, हमें निकलना। उनकी शहनवाज भाई की भी मीटिंग है थोड़ी, उनके पास टाइम नहीं है कि वो आपको टाइम दें, तो इसलिए हम निकल रहे हैं। नहीं उन्होंने बोला रात को, हम आपको दिखाने के लिए कि इधर आए थे हम घूमने के लिए। वो अभी यहाँ पे बंद है एंट्री, वरना आपको अंदर से दिखा देते। आपको आगे और भी देंगे पर थोड़ा सा अभी वो शहनवाज भी वेट करें गाड़ी में, उनके पास चलते फिर कंटिन्यू करते। हरी पैलेस में हमें ऑफर था कि वो रात को रुक जाओ क्योंकि जान पहचान वाले लोग हैं। हम दोनों ने बोला कि हमें घर में गांव में हमें निकलना पड़ेगा। यहाँ सर ऐसे शक दिला रहा आपको, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, सीरियस ये बात सच है ना। हाँ ऑफर किया था, उन्होंने बोला था डिनर हमारे साथ करना, डिनर हमारे साथ करना। और फिर ऐसे हमें और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है ना। क्या बात, बुद्धल नहीं समझ आएगी आपको, सॉरी आपको समझ नहीं आएगी, ये बहुत लंबा एक प्रोसेस है। तो अभी वो शहनवाज भी वेट कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो इंतजार करें हमारे जैसे हो के। बेशक हम तनख्वाह वो सारी तनख्वाह तो नहीं देते, दोस्ती आ रही है उस स्कॉर्पियो कहाँ पर लगाई हुई है, थोड़ा उधर लाना मता सी जैसी ना गलती हो गई। फिर फाइनली हमने वहाँ से वापस आ गए। हम आप इधर गाड़ी में थोड़ा सा, तो ये बड़े मसरूफ आदमी है, तो देखते हैं अभी बाहर निकले फिर आगे अगर कुछ होगा कुछ दिखाने के काबिल दिखा देंगे आपको। ये आपका एक रिलेटिव मिला मुझे भी, तो सारी सारी दिखा नहीं पाया मैं आपको, मिलते हैं कुछ सेकंड के बाद। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, हम इधर जीएमसी आ गए। मेरा दोस्त है कि उसको चेक करवाना है, आपको पता ना वो पीछे अभी वो आ रहा है। पर मैं दोस्तों की बड़े अच्छे तरीके से परवरिश, मतलब दोस्त मेरे लिए ऐसे हैं जैसे औलाद तो नहीं बंदा बोल सकता, पर मतलब माँ बाप की तरह जैसे लड़के हो गए, मतलब की तरह बड़े अच्छे तरीके से मैंने पाला। मैं सोच रहा हूँ चेक करवा लूँ किसी के पास, तो अभी वो गया उधर गाड़ी पार्क करने, वो आज उसको चेक करवाते हैं, देखते हैं क्या समस्या। बोल रहा है कि मुझे भूख लगती है, वो खाना खा के भूख नहीं लगती, वही देखें क्या सीना को टेस्ट करने के बाद आंखें बंद होती है। चेक करवाते हैं फिर बताते हैं। ये इन्होंने जगह शगह खाली कर दी थी, जब हमारा पता चला ना कि आ रहे हैं पार्किंग के लिए, तो आपको पता खाली कर दी। आपको पता कौन सी ये नंबर नहीं दिखाना, नंबर नहीं दिखा लग जाएगा, नंबर नहीं दिखाना क्योंकि फैन बेस बहुत बड़ा ना हमारा। वो आ रहे हैं शहनवाज भी, थोड़े से अभी सीरियस हैं।